हेलो व्यूअर्स, आज का टॉपिक है बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मलेशिया। मैं खुद मलेशिया हूँ और यहाँ पे स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट रीहायरिंग प्रोग्राम। रीहायरिंग प्रोग्राम है क्या है? यहाँ पे जितने भी बंदे हैं इलीगल जो मलेशिया में रह रहे हैं, जिनके पास वीज़ा नहीं है, वीज़ा एक्सपायर हो गया है, या टूरिस्ट पे है या कोई भी वीज़े पे है इलीगल, उनके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है रीहायरिंग प्रोग्राम। इसमें क्या होता क्या है कि बंदा यहाँ पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि जितने भी बंदे हैं उनको लीगल कर, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 15 कंट्रियों के बंदों को हम लीगल करेंगे, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा मलेशियन गवर्नमेंट को 95 मिलियन रिंगिट का रेवेन्यू जनरेट है, एक्सपेक्टेड का है। ये स्टार्ट हो रहा है 16 तारीख से। ये जो ऑफर है उनका, ये जो अपॉर्चुनिटी है, 16 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है, 30 जून तक चलेगा 2021 तक। इसमें सेक्टर क्या है? सेक्टर यानी कौन से आपको फील्ड में आपको वीज़े मिल सकते हैं, कौन सा आपको वीज़ा लगा सकते हैं। ये है सेक्टर प्लांटेशन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। प्लांटेशन जो खेती बाड़ी होती है, ज़राअत का काम होता है, उसको बोलते हैं प्लांटेशन। मैन्युफैक्चरिंग कोई सामान बनता है, इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी सामान जिसको उत्पाद होता है, बनाया जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। यहाँ तीन सेक्टर में इन्होंने ऑफर किया है, आप इस मौके को ग्रैब कीजिए। और इस मौके में मेरा भी जो वीज़ा, मैं इसमें रीहायरिंग में जो है ना इसका अवेल कर रहा हूँ, इसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ ये अपॉर्चुनिटी को। आप मेरे साथ हमारे ऑफिस आइए, पूरा मुतमिन ही समझिए, रीहायरिंग प्रोग्राम में स्टार्ट कीजिए और ज्वाइन कीजिए, अपने आप लीगल हो जाइए। लीगल होने के फ़ायदे, पासपोर्ट आपके पास होगा, जब चाहे जब आप अपनी होम कंट्री जा सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये अपॉर्चुनिटी है आपको, इसको यानी बार बार मौका आता नहीं, ये 3-4 साल के बाद उन्होंने स्टार्ट किया है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एडवाइस है, मशवरा है कि आप जल्द से जल्द इसको अवेल करें, इसको जल्द से जल्द आप इसको कैच करें और अपना वीज़ा लगाएं। कोई भी आपके पास पासपोर्ट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कीजिए, फर्दर आपको गाइड करूँगा, डिस्कस करूँगा और कैसा करना है, क्या करना है इसके, और क्या है मजद है, मतलब इसमें क्या है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, काफ़ी टॉपिक्स हैं इस पर डिस्कस करने के लिए। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसका फ़ायदा उठाएं रीहायरिंग प्रोग्राम का, और अपने जितने जाने वाले मलेशिया में हैं आप उनको हेल्प कीजिए कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है, फ़ौरन जाएगा लीगल हो जाए। और लीगल होने से सैलरी, फ़ायदा क्या है, सैलरी भी आपको अच्छी मिलती है, यानी आपको ऑलमोस्ट 30-40% का डिफरेंस आ जाता है। मिसाल के तौर पे आप 2000 कमा रहे हैं, 1800 कमा रहे हैं, आपकी सैलरी 3000 प्लस तक जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। काम की गारंटी होगी, गवर्नमेंट खुद ही इंश्योरेंस दी है, गवर्नमेंट खुद ही इसका भरोसा दी है, गवर्नमेंट की तरफ से ही अपॉर्चुनिटी है। आपको जो कुछ भी होगा, पहले मेडिकल होगा और उसके बाद सारा ऑनलाइन होगा प्रोसेस, आप खुद चेक कर सकते हैं आपकी फ़ाइल का स्टेटस क्या है, वीज़ा कितने दिन में लगने वाला है, वर्क परमिट कितने दिन में आएगा, टोटल प्रोसेस गवर्नमेंट होगी 1 महीने का। आप ये मौका है, जल्द से जल्द आप इसको जो है ना कैच कीजिए और मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल पे, अभी तो मैं मलेशिया में हूँ। हो सकता है आपको जितनी ज़्यादा हुआ मैं हेल्प करूँगा, और मैं कोशिश यही करूँगा हर एक की मैं हेल्प करूँगा। और देखते रहिए हमारे चैनल को, अपने दोस्त वगैरह में शेयर कीजिए, और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा, आप थोड़ा हेल्प कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।